बचपन से ही रुपेश का एक सपना था कि वो बड़े होकर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बने। दिन रात मेहनत करके वो साइंटिस्ट भी बन गया, पर अब वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सके। इसलिए उसने अपनी लैब में दिन रात मेहनत करके एक दवा बनाई जिसे मरे हुए लोगों को लगाया जाए तो वो तुरंत जिंदा हो जाए। आज मेरा सपना पूरा हुआ, जो मैं चाहता था मुझे मिल गया। अब मैं ये दवा इंजेक्शन में भरकर मरे हुए लोगों पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दूध वाला दूध देने आया होता है। इस वक्त दूध वाला आया होगा, क्यों ना मैं ये दवा सबसे पहले इस दूध वाले के ऊपर इस्तेमाल करूँ। पर मुझे सबसे पहले इसे मारना होगा, उसके बाद मुझे इसे जीवित करके ये साबित करना है कि मैंने जो दवा बनाई है वो बिल्कुल सही बनाई है। रुपेश दरवाजा खोलता है और उससे दूध लेने लगता है। जैसे ही दूध वाले की नजर उस पर से हटती है, रुपेश उसका गला दबाकर उसे मार देता है। उसके मरते ही रुपेश उसे अपनी लैब में ले जाता है। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, ये रही मेरी दवा। अब मैंने इसे इस इंजेक्शन में भरा और ये इसे लगाया। इंजेक्शन लगाते ही दूध वाले के शरीर का रंग बदलने लगा और धीरे धीरे उसकी चमड़ी जलने लगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी इतनी सालों की मेहनत बर्बाद नहीं हो सकती। मेरी दवा कैसे फेल हो गई? मैंने दवा बनाने में कहां गलती कर दी? मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। सबसे पहले मुझे इस लाश को एक ऐसे केमिकल में रखना होगा जिससे कि ये कभी भी सड़े ना। मैं एक दिन इसे जरूर जीवित करूंगा, जरूर जीवित करूंगा। रुपेश फिर से लग जाता है जीवनदान देने वाली दवा बनाने में। दवा बनते ही वो अपनी काम वाली को मारकर उस पर प्रयोग करता है। इस बार भी उसकी दवा फेल हो जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। रुपेश अब तक कई लोगों को मार चुका था। उसकी लैब लाशों से भरी पड़ी थी। एक दिन लैब में काम करते करते रुपेश की आंख लग गई। बीकर में खतरनाक केमिकल होने की वजह से उसमें ब्लास्ट हो जाता है। रुपेश उसकी चपेट में आ जाता है। ओए मुझे बचाओ, मेरी आंख जल रही है बहुत, मेरा शरीर। केमिकल उसके ऊपर गिरने से रुपेश तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। मरते ही वो एक भूत बन जाता है। ये क्या, मैं मर गया, मैं भूत बन गया? इसका मतलब अब मैं हमेशा के लिए भूत बन गया। कोई नहीं, पर मैं अभी भी पीछे नहीं हटूंगा। जब तक मेरी दवा बन नहीं जाती, मैं लोगों पर ऐसे ही प्रयोग करता रहूंगा। जब मेरी दवा बनकर तैयार हो जाएगी, मैं उस दवा के जरिए फिर से जीवित हो जाऊंगा। रुपेश का भूत अपने शरीर को उठाकर और लोगों की तरह ही केमिकल में रख देता है। रुपेश का भूत आधी रात को किसी इंसान को ढूंढने के लिए निकलता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आदमी गजेंद्र स्कूटर पर आता दिखाई देता है। भूत उसे फौरन पकड़ लेता है और उसे मार देता है। मरने के बाद उसे अपने साथ लैब में उठा कर ले जाता है। अपनी नई दवा वो उस पर इस्तेमाल करता है। बहुत हो गया, मैं हर बार नई दवा बनाता हूँ पर ये हर बार फेल हो जाती है। भूत फिर से लैब में लग जाता है अपनी दवा बनाने में। एक दिन भूत की मेहनत सफल हुई। उसने अपनी नई दवा एक मरे हुए आदमी विशाल पर ट्राई की। मरा पड़ा विशाल उस दवा के लगते ही जीवित हो जाता है। मेरी बरसों की मेहनत आखिर आज पूरी हुई। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं इस दवा से अपने आप को फिर से जीवित कर सकता हूँ। तभी विशाल उससे नजर बचाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन भूत को ये बात पता नहीं थी कि ये सब उसके घर की खिड़की से दो चोर चंगू मंगू देख रहे थे। यार मंगू, ये तो वाकई इस भूत ने कमाल कर दिया। एक भूत ने ऐसा आविष्कार किया है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। इस भूत ने जो दवा बनाई है, क्यों ना हम दोनों उसका फार्मूला और दवा दोनों चुरा ले। इस भूत की दवा और फॉर्मूला हम किसी दूसरे साइंटिस्ट को ऊंचे दामों में बेच देंगे और हम
हम ये हो जाएंगे। वो भूत अभी बहुत खुश है, इसलिए हमारे पास अभी मौका अच्छा है वहाँ घुसने का। उस भूत का हमारे ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, समझे? चलो अब। तभी दोनों चोर चुपचाप उसकी लैब में घुस जाते हैं और उसकी दवा और फॉर्मूला वहाँ से उठाकर भागने लगते हैं। मेरा फॉर्मूला और मेरी दवा! तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी दवा चुराने की? मुझे मेरी दवा वापस चाहिए। मेरे इतने सालों की मेहनत तुमने चुरा ली, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भूत गुस्से में दोनों चोरों को ढूंढने निकल जाता है, पर वो कोई ऐसे वैसे चोर नहीं थे, शातिर चोर थे। भूत से नजर बचाकर वो एक मनवीर दास साइंटिस्ट के पास पहुंचते हैं। कौन हो तुम, क्या चाहिए और यहाँ क्या कर रहे हो? अभी रुको, गार्ड को बुलाता हूँ। नहीं 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 नहीं, हमें मत भगाइए, बल्कि हम तो आपके फायदे की बात करने आए हैं। फायदा? वो भी मेरा? कैसा फायदा, बताओ जल्दी। हम दोनों चोर हैं, हम दोनों ने एक भूत साइंटिस्ट का फॉर्मूला और दवा चुराई है। वो कोई ऐसी वैसी दवा नहीं है, वो दवा तो जीवन देने वाली दवा है। मतलब कि जो इंसान मर चुका है, वो दवा इंजेक्शन के जरिए मरे हुए इंसान को लगाई जाए तो वो मरा हुआ इंसान उस दवा से जीवित हो जाएगा। चंगू मंगू की ये बात सुनते ही मनवीर दास हैरान रह जाता है। मैं कैसे मान लूं कि तुम दोनों जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो? हम दोनों बिल्कुल सच बोल रहे हैं, हमारी बात का विश्वास करो। पर हम तुम्हें वो फॉर्मूला और दवा अभी देंगे जब तुम उसकी मोटी कीमत हमें दोगे। ठीक है, मैं दे दूंगा तुम्हें उसकी कीमत, पर पहले मैं पूरा विश्वास करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे तुम्हें मारना होगा। मनवीर दास चंगू का गला दबाकर उसे मार देता है। साहब, ये आपने क्या कर दिया? मेरे दोस्त को क्यों मार दिया? चंगू, मेरे दोस्त, ये तुझे क्या हो गया? आंखें खोलो मेरे दोस्त, आंखें खोलो। अगर तुम सच बोल रहे हो तो ये इंजेक्शन इसके लगाते ही ये जीवित हो जाएगा। मनवीर दास इंजेक्शन में दवा भरकर उसे लगा देता है। दवा का असर होते ही चंगू तुरंत जीवित हो जाता है। ये तो कमाल ही हो गया, तुमने बिल्कुल सही कहा था। मैं अभी पैसे लाता हूँ, पर ध्यान रखना ये बात किसी और को पता ना चले। पैसे की गड्डी मिलते ही दोनों चोर वहाँ से चले जाते हैं। मनवीर दास बहुत खुश था उस फॉर्मूला के मिलने से। कल सुबह होते ही मैं इस दवा को दुनिया के सामने लाऊंगा और मैं ये दवा उसे ही दूंगा जो मुझे करोड़ों रुपए देगा। मनवीर दास दवा और फॉर्मूला लॉकर में छिपा देता है और चैन से सो जाता है। वहाँ हाथों में पैसे लिए दोनों चोर सुनसान रास्ते से जा रहे थे, तभी भूत उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आखिर तुम दोनों मुझे मिल ही गए। तुम दोनों ने मेरा फॉर्मूला चुरा कर ठीक नहीं किया। बताओ मेरा फॉर्मूला कहाँ है, नहीं तो यहीं तुम्हारी चीनी बना दूंगा। वो तो हमारे पास नहीं है। हाँ, वो अब हमारे पास नहीं है, उसे हमने किसी दूसरे साइंटिस्ट को बेच दिया। अरे बुद्धू, सच बताने की क्या जरूरत थी तुम्हें इस भूत को? पता नहीं अब ये भूत हमारे साथ क्या करेगा। मेरा फॉर्मूला किसी और को बेच दिया, जल्दी बताओ किसे बेचा। दोनों चोर भूत को बता देते हैं कि उन्होंने उसका फॉर्मूला किसे दिया। उसके बाद भूत दोनों का गला दबाकर उन्हें मार देता है और वहां से सीधा मनवीर दास के घर पहुंचता है और सोते हुए मनवीर दास की गर्दन पकड़ लेता है। मेरा फॉर्मूला कहाँ है, जल्दी बता, नहीं तो मैं तुझे अभी मार दूंगा। है? कौन सा फॉर्मूला, कौन सी दवा? मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। अच्छा नहीं है,
फिर तूने दवा का नाम क्यों लिया? मैंने तो फॉर्मूला के साथ दवा का नाम भी नहीं लिया। इसका मतलब मेरी दवा और फॉर्मूला तुम्हारे पास ही है। ला, जल्दी दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। भूत के डर से मनवीर उस भूत को दवा और फॉर्मूला दे देता है। मैं कैसे मान लूं कि जो तूने मुझे फॉर्मूला और दवा दी है वो सही दी है? और ये जानने के लिए तुझे मेरे साथ मेरी लैब में चलना होगा। वहाँ ले जाकर सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा, फिर जिंदा करूंगा। अगर तू मरने के बाद जिंदा हो गया तो मेरी दवा सही है। भूत मनवीर को उठाकर अपने साथ लैब में ले जाता है। भूत की लैब देखकर मनवीर हैरान रह जाता है। उसे वहाँ कई लोग मरे हुए मिलते हैं जिनकी बॉडी केमिकल की वजह से सड़ चुकी थी। ये सब इस साइंटिस्ट ने किया है। ये फॉर्मूला बनाने के लिए इसने कितने लोगों को मार दिया? वो देखो, वो मैं हूँ। मैं खुद को जीवित करूँगा, फिर इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाऊंगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम एक खूनी हो। तुम्हारी जगह इस दुनिया में नहीं, जेल में है। फिर दोनों में बहस हो जाती है और दोनों लड़ने लगते हैं। हाथापाई में भूत एक केमिकल से भरे ड्रम पर जा टकराता है। पूरा केमिकल लैब में हर तरफ फैल जाता है और उसमें तभी आग लग जाती है। आग लगने से पूरी लैब आग की चपेट में आ जाती है और उसमें जो भी अंदर थे सभी जलकर राख हो जाते हैं। आग के साथ फॉर्मूला भी हमेशा के लिए दफन हो जाता है।